ये बार बार दिल टूटने की बात आप में पीड़ा पहुंचने का डर डाल सकती है, जीवन में किसी से भी जुड़ने को लेकर। हाँ या ना? आपका दिल बार बार टूटा, कुछ समय तक ये मजेदार लगा, पर कुछ समय के बाद आप जीवन में वाकई किसी पर भी भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि कोई अन्य व्यक्ति हमेशा एक समस्या होता है। सिर्फ जब आपकी भावनाएं आपको उस समस्या के पार जाने देती हैं, तो किसी रूप में वो आपका हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन अगर हमारा दिल बार बार टूटे, तो हम कभी भी अपनी भावनाओं को उन सीमाओं के पार नहीं जाने देंगे। हम हमेशा सावधान रहेंगे, क्योंकि वैसे भी इसके समाप्त होने की तारीख तय है। जब लोग एक समाप्ति की तारीख के साथ आए, हाँ हम सभी के लिए एक समाप्ति की तारीख है, लेकिन रिश्ते बनाने के पीछे सोच ये है कि ये एक सहारा है जीवन के हर स्तर पर, ताकि दो लोग, मतलब दो दिमाग और दो शरीर एक से बेहतर रह सकें। कई तरीकों से जीवन के अलग अलग आयामों में, काम में, घर की स्थितियों में, जीवन में, साथ रहने में, भावनाओं में, जीवन को व्यवस्थित करने और संवारने में, हर तरह से दो लोग एक इंसान से ज्यादा अच्छे से रह सकते हैं, यही सोच। और निश्चित रूप से प्रकृति हमें एक दूसरे की ओर ले जाती है, क्योंकि प्रकृति को आपके प्रेम संबंध की परवाह नहीं है, वो बस चाहती है कि आप बच्चे पैदा करें। हाँ, आपको लगता है कि प्रकृति माँ को चिंता है कि आप प्रेम करते हैं या नहीं करते, वो चाहती है कि आप बच्चे पैदा करें, लेकिन हमने वो थोड़ा ज्यादा कर दिया है। अब कोई जल्दी नहीं है, हमें प्रकृति की इच्छा मानने की जरूरत नहीं है। हेलो, हाँ, अगर आप बाघ होते तो मैं आपको प्रोत्साहित करता, प्लीज बच्चे पैदा करें, क्योंकि वो प्रजाति खतरे में है। मनुष्य निश्चित रूप से खतरे में नहीं है, हम हर चीज को खतरे में डाल रहे हैं। तो बच्चे पैदा करना इस समय लक्ष्य नहीं है, हमने उसे किनारे कर दिया है, लेकिन प्रकृति का दबाव उसी तरफ है। लेकिन हमारी भावनात्मक जरूरतें, शारीरिक जरूरतें, मानसिक जरूरतें, शायद आर्थिक और सामाजिक जरूरतें हैं, अलग अलग जरूरतें हैं। देखिए, जब आप इंसान का रूप लेते हैं तो वो नहीं कर सकते, हालांकि ये वही चीजें हैं जो जानवर करते हैं, पर हम उन्हें ज्यादा गरिमापूर्ण और जागरूक तरीके से करना चाहेंगे। चाहे हम खाएं या संभोग करें या सोएं, हम उसे सुंदरता के लिहाज से थोड़ा ठीक से करना चाहते हैं, ये चीज जरूरी है। इसके लिए हमें एक और इंसान का सहयोग चाहिए, जो खुद भी किसी रूप में हमसे मेल खाता हो। अगर हर दो दिन में आपका दिल टूटता है और ये चलता रहता है, तो आप इसकी परेशानियां देखेंगे। देखिए, हमें समझना चाहिए कि प्रेम संबंध क्या होता है। ये बस ऐसा है, जब आप 10 वर्ष के थे, आपने आसपास देखा, दुनिया काफी साधारण थी। अचानक से कुछ समय बाद आप में थोड़ा सा रासायनिक जहर आ गया। फिर आप देखते हैं तो किसी के शरीर पर हर छोटा सा भार अपने आप में एक दुनिया लगता है। हेलो, तब तक सब कुछ ठीक था, है ना? 10-12 साल की उम्र तक ठीक था, 13 की उम्र में आपने देखा तो अचानक से ये अपने आप में एक दुनिया है। पड़ोस की छोटी सी लड़की, जिसका आपके लिए कोई महत्व नहीं था, अचानक उसी पर ध्यान रहने लगा, वो आंखों का तारा बन गई। हाँ, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी बुद्धि का आपके हार्मोन्स ने अपहरण कर लिया है, तो इससे अजीब चीजें हो रही हैं। ये आपको हर तरह की चीजों पर विश्वास दिला रहा है। जब आप मुड़कर देखेंगे तो अपनी मूर्खता महसूस करेंगे, लेकिन ये ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हम समझें कि हमारे साथ क्या हो रहा है, वरना हम बेवकूफियां करेंगे जिनका शायद हमें बाद में पछतावा होगा। ये नैतिकता का प्रश्न नहीं है, ये जीवन को समझदारी से संभालने का प्रश्न है।